हमारे दूसरे सहयोगी यूसुफ भी हमारे साथ जुड़े हैं। यूसुफ, सबसे बड़ी बात यही है कि कल दिवाली का त्यौहार मनाया गया, उसके बाद और ज्यादा स्थिति दयनीय हो गई। आतिशबाजी पे सख्त रूप से मनाई है, बैन है, उसके बावजूद भी कोई नहीं मानता, क्योंकि लोगों का यह कहना है कि सुबह से ही हम रिएक्शन ले रहे हैं कि सिर्फ पटाखों से तो प्रदूषण फैलता नहीं है, और भी बहुत सारे फैक्टर हैं। सवाल उठता है कि कोई ना समझने को तैयार है, कोई ना सुनने को तैयार है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो दिल्ली सरकार ने करीब 350 से अधिक इसके लिए टीमें बनाई थी कि जो इस बात की निगरानी करेगी कि दिल्ली में जो आतिशबाजी होगी उस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाएगी और उनके खिलाफ एक्शन भी लेगी, इसके लिए दिल्ली पुलिस और जो दिल्ली सरकार है ये दोनों ने एक संगठित टीम बनाई थी। और लेकिन उसके बावजूद उसके कि जो दिल्ली में कल जिस तरीके की आतिशबाजी हुई है उसका जो अंदाजा है वो साफ लगा सकते हैं कि दिल्ली में जो AQI लेवल है वो 400 के पार पहुंच गया है। दिल्ली में जैसे जैसे कल शाम के 5 से 6 बजे के बाद में जो AQI लेवल का जो ग्राफ है वो धीरे 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 बढ़ता चला गया और रात को 10 बजते बजते वो जो ग्राफ है वो बिल्कुल एकदम अप हो गया। तो साफ है कि जिस तरीके से दिल्ली NCR में आतिशबाजी की गई है उससे कहीं ना कहीं प्रदूषण के ऊपर जो है वो सीधे तौर पर असर पड़ा है। हालांकि जो गनीमत इस बात की रही है कि क्योंकि जो हवाएं हैं वो सुबह से चल रही हैं तो हवाओं के जो रुख है उसकी वजह से प्रदूषण का जो असर है वो कहीं ना कहीं छटता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो AQI लेवल आमतौर पे जो पिछली दिवाली में देखा गया था तो वो 600 के आसपास पहुंच गया था, तो लेकिन इस बार गनीमत जो है वो हवा की रही है। हवा के कारण जो है ये AQI लेवल में थोड़ा सा स्थिरता आई है, जिन इलाकों में करीब 400 के या 400 के ऊपर पहुंचा है वहां अब जो AQI लेवल है वो थोड़ा सा डाउन होता हुआ लगातार दिखाई दे रहा है। हालांकि जिस तरीके से इसके लिए दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस जो है वो लगातार काम कर रही है और उन्होंने टीम बनाई तो वो कहीं ना कहीं जमीन पर कोई जरूर ऐसी लापरवाही रही है जिसकी वजह से दिल्ली और NCR में आतिशबाजी बनाए जाते हैं लेकिन उसका इंप्लीमेंट दिखाई नहीं देता। साल दर साल हम लोग यही स्थिति देखते हैं और उसके बाद कदम उठाए जाते हैं लेकिन धरातल पर वो भी स्थिति नहीं दिखाई देती। वहीं हमारे सहयोगी यूसुफ ने ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाई है कि आखिर देखिए दिल्ली में कितना जहरीला हो चुका है हवा। यमुना में प्रदूषण का स्तर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो यमुना में झाग है वो झाग बीच में कुछ कम हुए थे लेकिन फिर से कमोबेश वही स्थिति जो है दोबारा बन गई है कि यमुना में जो झाग है वो करीब यानी कि पानी की सतह से 3 फीट ऊपर तक जो झाग है जो फैन बना हुआ है वो ऊपर तक जा रहा है और लगातार जो है यहाँ पर ये जो झाग है ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आप तस्वीरों के जरिए अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो झाग है वो कितना ज़बरदस्त तरीके से फैन जो है इसमें बना हुआ है। हालांकि यहाँ पर इस झाग को कम करने के लिए लगातार जो है वो काम किया जा रहा है। यहाँ पर वाटर गन से यहाँ पर जो झाग है उसको केमिकल के थ्रू जो है यहाँ से काम कम करने का काम जो है वो फिलहाल जो है यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन झाग की जो तादाद है वो इतनी ज़्यादा है कि कहीं झाग जो है वो कम होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। लगातार जिस तरीके से जो यमुना में प्रदूषण है उसको लेकर के जो राजनीति है वो भी हमेशा गर्म रहती है कि BJP और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तीनों एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप जैसी स्थिति जो है वो पैदा करती रहती है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगाती रहती है कि जो दिल्ली के समीपवर्ती राज्य हैं चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या हरियाणा हो वहाँ से जो यमुना किनारे बसे हुए शहर हैं उनसे केमिकल युक्त पानी जो है वो छोड़ा जाता है जिसकी वजह से दिल्ली में जो है वो ऐसी स्थिति यमुना में बन जाती है। वहीं जो BJP है वो बार बार आरोप लगाती है आम आदमी पार्टी के ऊपर कि अरविंद केजरीवाल की सरकार जो है वो अच्छा काम नहीं कर रही है और यही वजह है कि वो दिल्ली वालों को जो यमुना का जो ये रूप है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि जो यमुना है यमुना का पानी दिल्ली के लिए बहुत मायने रखता है क्योंकि खान पीने और इस्तेमाल करने के लिए जो है वो यमुना का पानी इस्तेमाल भी होता है लेकिन जिस तरीके से हालात यमुना में एक बार फिर से बने हुए हैं वो कहीं ना कहीं दिल्ली वालों के लिए भी एक चिंता का सबब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन अनंग पाल के साथ में यूसुफ, न्यूज 24 दिल्ली।
तो आपने सीधे तस्वीरें देखी और समझ सकते हैं क्या स्थिति बनी हुई है दिल्ली की। एक तरफ पानी आप देख सकते हैं, यमुना का क्या स्तर बना हुआ है, दूसरी तरफ हवा भी जहरीली हो रखी है।